तो नमस्कार किसान भाइयों, ये वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे जब टेम्परेचर सही नहीं रहता है, या फिर जैसे कि मैंने शुरू वाले वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले चिक्स को पानी क्यों नहीं देना चाहिए, दाना क्यों देना चाहिए, ये वीडियो देख करके आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे और सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, जब तक सिर्फ दाना दिया हुआ था पोल्ट्री चिक्स को, आप लोग देख रहे थे कि बिल्कुल अपने रंग में थे चिक्स, वो अपना घूम रहे थे, दाना खा रहे थे और जो है वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने पानी रख दिया है, जिस तरह से देख रहे हैं हमने पानी रख दिया है, ये गुड़ और हल्दी का पानी है, इसमें जायलोरिक भी मिलाया गया है जिसके मैं हमेशा से ब्रूडिंग करता आया हूँ और काफी सक्सेसफुल रहा है। तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ तरीका है, इसलिए मैं हमेशा गुड़ हल्दी और जायलोरिक टेबलेट का ही प्रयोग करता हूँ। तो आप लोग इस तरह से देख रहे हैं, अब ये पोल्ट्री चिक्स हमारा इकट्ठा होने लगा है। तो अब ऐसा क्या हो गया 5 मिनट के अंदर में कि सब चिक्स इक्वल डिस्टेंस पे थे, अचानक से सब इकट्ठा होने लगे? तो ये पानी देने का असर है। जैसे ही पोल्ट्री ने चिक्स ने पहली बार पानी पिया, उनका टेम्परेचर काफी रैपिडली डिक्रीज किया, घटा, और यही कारण है कि वो लोग इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो जो भी मुसीबत है उससे बचने का ही तरीका बताता हूं। सिर्फ मैं मुसीबत बता के निकल जाऊं तो वो वीडियो सफल नहीं होगा। आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये जो बल्ब है इसको और थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा मैं, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो और भी बल्ब का संख्या भी बढ़ाऊंगा, ताकि इनका जो इस तरह का जो यहाँ पे देखिए जो अभी दिख रहा है, इस तरह का नजारा पूरे फार्म में दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अगर तो पूरा इकट्ठा है, ये सही नहीं है, ये पोल्ट्री फार्मिंग में ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसके लिए टेम्परेचर आपको समझ जाना चाहिए, कोई भी थर्मामीटर का जरूरत नहीं है। पिछले वाले वीडियो में जैसे कि देखे थे आप कि काफी अच्छे थे पोल्ट्री, और अभी देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर कमी महसूस कर रहे हैं। तो यही पोल्ट्री फार्मिंग है, यही टेम्परेचर मैनेजमेंट है। तो अब या तो बल्ब को नीचे किया जाए ताकि और इनको गर्मी प्रदान हो, या तो और बल्ब की संख्या बढ़ाई जाए, यही दोनों तरीका है। क्योंकि हम लोग बाहर का जो क्लाइमेट है उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ जुगाड़ लगा के अंदर का ही टेम्परेचर में कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, अभी हमको तुरंत से जो है वो कुछ ना कुछ इसमें बल्ब वगैरह बढ़ाना होगा और इसकी हाइट है उसको नीचे करना होगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब मैं चला काम करने, टेम्परेचर बढ़ाने। जय हिंद, वंदे मातरम।